बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी नदीम घायल हो गया, जबकि इस मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर इसका साथी और इनामी बदमाश फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया गया है कि मुठभेड़ में घायल हुआ इनामी शातिर किस्म का अपराधी है, जबकि इनामी पर लूट, हत्या, गोकशी जैसे लगभग एक दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस की माने तो पकड़ा गया इनामी साल 2019 में जिला बदर रह चुका है, जबकि घायल इनामी दो आपराधिक मामले में अब भी वांछित था। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से नदीम नाम इनामी घायल हो गया और पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद किए हैं। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि पुलिस इनामी के फरार साथी की अभी भी तलाश कर रही है। तरुण के साथ आज पुलिस की एक मुठभेड़ जनपद बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें नदीम नाम का अपराधी, जिसके विरुद्ध 10 से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, दो मुकदमों में लगातार वांछित चल रहा था तथा जिस पर मार्च माह में 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, वो क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, गिरफ्तार किया गया है। इसका दूसरा साथी मौके से भागने में अंधेरे का लाभ लेकर सफल रहा है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है तथा तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। बहुत ही कुख्यात किस्म का शातिर गो तस्कर है। वर्ष 2019 में जिला बदर भी रह चुका है। लगातार हमारी टीमें इसकी पिछले 2-3 महीनों से तलाश कर रही थी। आज एक अभिसूचना थी, उसी के आधार पर पुलिस टीम लगाई गई थी और मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।